आपको कितना आना है? लोकल में आना है, ये लोकल में है। मेन मेनू ठीक है, मेन मेनू में आपको देखना है एक पोजीशन विजिबल है कि नहीं है। विजिबल नहीं रहे तो फीका रहेगा, ये एंटर नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको यूजर मैनेजमेंट में जाना है, एंटर करना है। यहाँ ये कुछ भी में रहेगा, आप रिटर्न में रहेगा या आप जर्मन में रहेगा किसी में, तो इसको एक्सपर्ट करना है। अच्छा ठीक है। आप जैसे ही एक्सपर्ट को राइट क्लिक करेंगे है ना, ये राइट क्लिक किए तो यहाँ पर पासवर्ड पूछ देगा। ठीक है, तो पासवर्ड है 9044। ठीक है, ठीक है। 9044 देने के बाद ये बाहर आ जाएगी, ये पोजीशन पर आ जाएगी। उसके आपको बेक आना है, बेक आए उसके आपको पैरामीटर में जाना है। नहीं, पैरामीटर में नहीं जाना है क्योंकि सेटिंग हो चुका ना, बाकी सेटिंग सही रहेगा, केवल आपको एंड पोजीशन में जाना है। नहीं, अगर पहला सेटिंग किसी नए छोड़ा जाता है तो पैरामीटर में जाना है, आपको ये सब देख लेना है। क्या क्या देखना है आपको? कंट्रोल सिस्टम देखना है, ठीक है। ये एनालॉग पोजिशनर AI वन है, मतलब वो डिसेस है, कमांड एक्सेप्ट करने वाला पॉइंट है, ठीक है। ये ऐसा रहना चाहिए, बस इसमें यही है, इसको ही देखना है। ये हो गया स्लो प्राइजिंग और रेंज 4 to 20 मिलियन पर। इसको आप 0 to 20 भी कर सकते हैं, 1 to 5 volt भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग उसमें जा रहे थे मिड पोजिशन पे, उसी को दिखा दो इन पोजीशन से। ये ठीक है, और भी है इसमें, यानी कि आपका जैसे ये वॉल का है, ठीक है, ये डायरेक्शन है, जैसे आप और है ना, जैसे कमांड दे रहे हैं उल्टा हो रहा है ना, तो उसको यहाँ सीधा करना है, ठीक है। ये है RPM कम ज़्यादा कर सकते हैं ऐसा दोनों का। ये है कट ऑफ मोड ट्रेवल डिपेंडेंट, इसमें इंटर करेंगे और टॉर्क लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अगर वो कर दिए तो ये लिमिट पे नहीं रुकेगा, जहाँ मतलब ये स्मॉल आ जाएगा वहाँ नहीं रुकेगा, ये वहाँ रुकेगा जहाँ इसको इतना न्यूटन मीटर जानी मिलेगा वहाँ रुकेगा, उससे पहले नहीं रुकेगा, ठीक है। तो ये ट्रेवल डिपेंडेंट नहीं रखता है दोनों, ठीक। ये टॉर्क यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो आप, ठीक। ये इन पोजिशन रेंज है क्लोज का 2% में, मतलब इसका DI बिट हाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसे DI फीडबैक ले रहे हैं तो वहाँ 2% में क्लोज फीडबैक वहाँ पहुँच जाएगा। उसके लिए ये ओपन करेगी, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो रेंज को, ठीक है। ये मिनिमम रेंज दिया हुआ है, ठीक है। अब सीधा कैलिब्रेशन में आ जाए, आप कैलिब्रेशन में आ जाओ, ठीक है। ये न्यू सेटिंग में अगर आप आ रहे हो तो दोनों सेटिंग करना रहेगा, रीएडजस्टमेंट में आओगे इसमें एंटर करोगे तो आपको कोई भी एक सेटिंग करना है, न्यू कर लो, न्यू करना है, ठीक। ये न्यू किए, एंटर किए, ठीक। ये ऑनली एंड पोजिशन, बीच का सेटिंग नहीं करेगा, ठीक। इसमें एंटर करोगे, इसी को करो, दोनों पोजिशन में तो आता होगा ना, इस पर घुमाओ इसको, कैसा होगा? यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, वो कंप्लीट को एंटर करने, इसको एंटर करने के बाद आएगा, ओनली वन एंड पोजीशन आ जाएगा। और अगर इसको इसमें तो एक ही पोजीशन, ओनली एंड पोजीशन, और एक कंप्लीट मतलब वो यहाँ पर आया कंप्लीट, इसको एंटर की सॉरी कंप्लीट हो गया ना, ये एंड पोजीशन को एंटर करोगे आप तो इसके बाद ही पूछ रहा है कौन सा सेटिंग करना है, पोजीशन क्लोज 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 फुल क्लोज है, फुल क्लोज है, तो आपको ये क्लोज पे आना है, ठीक। यहाँ एंटर किए, अभी मतलब वो कहीं भी रह सकता है, ठीक। आपने क्लोज पे एंटर किया, अब ये क्या बोल रहा है, अप्रोच क्लोज एंड पोजीशन, मतलब क्लोज तक पहुँचने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आप यार मैनुअल पहुँचो या फिर बटन से पहुँचो, ठीक है। इंश्योर हो जाओ फुल क्लोज हो गया, उसके बाद आपको वो पोजिशन को एक्सेप्ट कराना है, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कराना है, ठीक है। वो हो गया सेट, ठीक है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं, अब यानी जो पोजीशन ये हो गया, अब ये दूसरा पोजीशन बोल रहे हैं अप्रोच ओपन एंड पोजीशन, ओपन जाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बटन से जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं, तो इससे चलते हैं, ठीक है। वो हो रहा है ओपन, ठीक है। आप देख के बताइए कहाँ है स्टॉप करना है, 7.3 तक था पहले,
कंट्रोल बोर्ड में आके दबा दी उसको तो ये क्या ओपन हो रहा है? ओपन होती क्लोज ओपन तो इसलिए हो गया रिमोट में डाल दिए तो जान डीसी से क्लोज हो गया क्लोज क्लोज है पोजीशन है ये आई1 में आना है ठीक है ठीक है ठीक है स्टॉप कर लो।